कहते हैं हवाई में एक मेंटल हॉस्पिटल एक मानसिक अस्पताल हुआ करता था जहाँ कुछ ऐसे रोगियों का इलाज चल रहा था जिनका ठीक हो पाना लगभग असंभव सा था जिनका ऐसा कहा जाता था कि अगर मैं ये कहूँ कि ये इंसान के रूप में जानवर थे तो बिल्कुल गलत ना होगा डॉक्टरों ने इनके ठीक होने की सारी पॉसिबिलिटीज़ छोड़ दी थी डॉक्टर कहा करते थे कि अगर ये इनके ठीक होने की संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर है क्योंकि तो ये इतने वाइल्ड हो चुके थे कि अगर कोई भी अटेंडर इनके पास जाता चाहे कपड़े के लिए कपड़े देने इन्हें या खाने के लिए या मेडिसिन देने के लिए जिस भी काम से अगर कोई भी अटेंडर जाता तो ये उन पर अटैक कर दिया करते थे तो जब ये इतने वाइल्ड हो चुके थे तो इन्हें बिल्कुल एक स्पेसिफ़िक एरिया पे बंद एरिया पे अलग एरिया पे रखा जाता था और कोई भी अटेंडर्स उनके पास नहीं जाते थे इवन इन्हें मेडिसिन या जो भी चीज़ें इन्हें दी जाती थी प्रोवाइड की जाती थी वो बहुत दूर से फेक इस तरीके से दी जाती थी और जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो इसी दौरान होता ये है कि जो डॉक्टर वहाँ पे ये सारी चीज़ें देख रहे थे इन मरीजों का इलाज कर रहे थे उनका ट्रांसफ़र हो जाता है और उनके ट्रांसफ़र के बाद डॉक्टर ह्यू लैन नाम के डॉक्टर का वहाँ अपॉइंट वहाँ पे अपॉइंटमेंट होता है वो इस हॉस्पिटल को ज्वाइन करते हैं और जब वो हॉस्पिटल को ज्वाइन करते हैं तो सारे स्टाफ उन्हें ये बताते हैं अटेंडर्स ये बना बताते हैं कि आप सबका इलाज कीजिएगा पर इस ग्रुप के रोगियों का इलाज मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत वाइल्ड हो चुके हैं अगर आप इनके पास जाएंगे तो आपके जान को खतरा है तो जो डॉक्टर हैं वो ये सारी बातों को समझते हैं और वो कहते हैं ठीक है मैं इनका ट्रीटमेंट नहीं करूँगा मैं बाकियों का इलाज कर लूँगा लेकिन आप एक काम कीजिएगा एक बहुत छोटा सा काम कीजिएगा कि आप इन सारे के सारे जो मरीज हैं सारे जो मेंटल पेशेंट हैं इनकी जो केस फाइल है जाहिर सी बात है हर मेंटल हॉस्पिटल में हर एक पागल की या ऐसा कहूँ हर एक पेशेंट की ज़्यादा अच्छा होगा पेशेंट की केस फाइल बनाई जाती है कि एक किस किस अवस्था से गुजरा है क्या क्या उसके साथ चीज़ें होती है कैसी चीज़ें हैं तो ऐसे ही कुछ केस केस फाइल को ये डॉक्टर अपने टेबल में ला के रखने को कहते हैं तो ये बात से सारे स्टाफ और अटेंडेंट्स अग्री करते हैं कि ठीक है फाइल ही रखनी है हम फाइल रख देंगे और डॉक्टर के कहने के अनुसार उन सभी मरीजों की फ़ाइल उनके टेबल पे रख दी जाती है अब ये डॉक्टर ह्यूलेन जो कि हो पनोपनो करके जो साइंस साइकोलॉजी का एक बहुत ही अच्छा साइंस है हीलिंग का एक बहुत ही अच्छा साइंस है उसको यूज़ करते थे आ, हील करते थे उससे लोगों को ठीक किया करते थे प्रैक्टिस किया करते थे तो ये जो डॉक्टर ही है ये देखते हैं कि ये सारी फ़ाइल है और ये 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 इस कंडीशन से ये मरीज जो है वो गुजर चुका है तो वो क्या करते है? वो हर एक फाइल को उठाते हर एक पन्ने को पलटते और कहते और इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और इस लाइन ने उस मरीज उन मरीजों की ज़िंदगी बदल दी और उस मरी उन मरीजों की ज़िंदगी बदलने के बाद लाखों जिंदगियां इस कहानी से बदली जब आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो इसके बाद आपके अंदर भी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है तो अब इस डॉक्टर ने क्या किया वो आते अपने टेबल पे बैठते हर रोज उस फ़ाइल को उठाते एक एक पेशेंट की फ़ाइल को उठाते हर एक पन्ने पन्ने को पलटते जाते और कहते हाथ फेरते हुए हर एक फ़ाइल के पन्नों पे आई लव यू आई थैंक यू आई लव यू आई थैंक यू फिर पन्ना पलट देते फिर कहते आई लव यू आई थैंक यू और कहते हैं कि ऐसे करते करते महज तीन सालों में वो सारे के सारे पेशेंट ऐसे ठीक हो गए मानो उन्हें कभी कोई मेंटल इलनेस थी ही नहीं उन्हें कोई मानसिक रोग था ही नहीं तो ये ताकत होती है प्यार में यह ताकत होती है प्यार की ग्रेटिट्यूड की कृतज्ञता की और सोचिए कि जब पागल ठीक हो सकते हैं तो हम और आप क्यों नहीं जब उनके साथ इतना बड़ा मिरेकल्स हो सकता है तो हमारे ज़िंदगी में क्यों नहीं क्यों हमारे ज़िंदगी के सभी एरिया सही नहीं हो सकते क्या हम अगर इसको यूज़ करने लगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी नहीं हो जाएगी हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हो जाएंगे हमारे अध्यात्म की जो दशा है वो नहीं सुधर जाएगी हमारा खुद से कनेक्शन कितना हो जाए कितना अच्छा हो जाएगा दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी अगर प्यार और धन्यवाद की इस ताक़त को समझ लें तो अब क्योंकि मैं मुझे लगता है जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं और आप अपने में ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं और अब अपने और अब जब आप अपने आप से प्यार करते हैं तो आगे जो मैं बताने जा रही हूँ कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं तो वो आप जरूर यूज़ करेंगे और उससे ही आप में बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो बात तो यही आती है ना कि ठीक है पागल तो ठीक हो गया अब मेरे लाइफ के इशू इससे कैसे ठीक होंगे तो वो ऐसे होंगे कि आपको करना ये होगा बहुत छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ आपको करना ये होगा कि सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले दोनों ही समय जब आपका अनकॉन्सियस माइंड बहुत ही अच्छे से एक्टिव होता है जागृत होता है उस समय आपको अपने दिल पे हाथ रखना है अपना नाम लेना है और कहना है आई लव यू आई थैंक यू जैसे मेरा नाम राशि है तो मैं कहूँगी राशि आई लव यू आई थैंक यू बस इतना सा करना है और देखिए क्या कमाल होता है ऐसे ही आपको मैं एक छोटा सा और बोनस देती हूँ और मुझे लगता है कि जब आप इन चीज़ों को कर रहे हैं और अपने आप से प्यार करते हैं और अपने दुनिया से भी प्यार करते हैं इस दुनिया से प्यार करते हैं और इसे खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो इसे आप अपने लिए और अपने के लिए भी इसे यूज़ करना चाहेंगे तो एक बहुत छोटा सा बोनस मैं आपको देती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में बहुत अच्छा बॉन्डेज हो आपके रिश्ते अच्छे हो जाएं, तो आप बस एक छोटा सा उपाय कीजिएगा आप फैमिली फ़ोटोग्राफ लीजिएगा और उस फैमिली फ़ोटोग्राफ में हाथ फेरते हुए कहिएगा हाँ जी बिल्कुल आई लव यू आई थैंक यू और उसके बाद देखिएगा उस आई लव यू और उस थैंक यू से आपके रिश्ते कितने मजबूत होते हैं और कितना कुछ बदल जाता है हो सकता है अभी आपने रिश्तों को सही करने के लिए बहुत कुछ किया होगा इसे भी ट्राई कीजिए और अपने लाइफ में बहुत ही कमाल का चेंजेस देखिए एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि जब मैंने इस वीडियो को आप लोगों के बीच में रखा है तो मैं चाहूँगी कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं ताकि बहुतों का भला हो मुझे पता है आप बहुत ही अच्छे सोल हैं तभी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं आप कहीं ना कहीं सच में चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आए और लोगों के भी लाइफ में आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो अगर आप चाहते हैं लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें भले इस वीडियो को आप लाइक ना करें लेकिन एक शेयर जरूर करें ताकि कई जिंद उस एक शेयर से कई जिंदगियां चेंज हो जाएं तो मुझे पता है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे तो धन्यवाद इस वीडियो को इतने ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को शेयर किया नमस्ते